नवंबर महीने के लिए एक शायरी लिखी है, सुनाओ। माना शोर और ताने बजते हैं तुम्हारे कान में, माना शोर और ताने बजते हैं तुम्हारे कान में, बिना गलती के अपनों से ही गालियां पड़ती हैं सम्मान में। नाकामयाब भी डुबोते हैं तुम्हें अपने छिछले ज्ञान में, और गुस्ताख भी गुस्ताखी कर जाते हैं तुम्हारी शान में। पर तू देखना, सब समय का खेल है प्यारे, जब तेरी कामयाबी बोलेगी तो सब चुप हो जाएंगे, जब तेरी कामयाबी बोलेगी तो सब चुप हो जाएंगे, मुंह बनाने वाले रिश्तेदार भी तेरा नाम लेकर करीबी बन जाएंगे, जो तेरा चेहरा नहीं देखना चाहते वो भी सेल्फी खिंचवाएंगे, तू 100 बार धुतकारेगा वो 100 बार मनाएंगे, ये सब समय का खेल है प्यारे, ये सब समय का खेल है प्यारे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और महीने की राशिफल में। नवंबर का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, आज हम जानने वाले हैं। मुझे तो लगता है वो महीना बहुत अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि जिस महीने की शुरुआत ही पूजा पाठ से हो, अच्छे तीज त्योहारों से हो, तो वो अच्छा कैसे नहीं जाएगा। तो क्या इस महीने में आपकी किस्मत में लिखा है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी के आने वाले पर्व बहुत शुभ जाएं, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली, सभी आपके लिए बहुत मंगलमय हो। माता लक्ष्मी आपके घर आए, ऐसा सभी को आशीर्वाद मैं प्रदान करती हूँ। चलिए सबसे पहले तीज त्योहारों पर नजर डाल लेते हैं। कौन से तीज त्योहार नवम्बर के महीने हमारा इंतजार कर रहे हैं? 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है, 3 नवंबर भाई दूज मनाई जाएगी, 7 नवंबर को छठ पूजा है, 9 नवंबर को गोपा अष्टमी है, 12 नवंबर को देव उत्थान एकादशी है, 13 नवंबर को तुलसी विवाह है, 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और उस दिन हमारे यहाँ भंडारा भी किया जाएगा, 22 नवंबर को भैरव जयंती है और 30 नवंबर को शनि अमावस्या मनाई जाएगी, जिस दिन फिर से हमारे यहाँ भंडारा किया जाएगा। एक नजर इस महीने होने वाले सारे ग्रहों के परिवर्तन पे भी डाल लेते हैं। सूर्य जो है वो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा 2 नवंबर नीच राशि वृश्चिक राशि में महीने की शुरुआत कर रहे हैं और लास्ट में भी वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। मंगल जो है वो कर्क राशि अपनी नीच राशि में रहेंगे इस महीने। बुध जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे, वक्री हो जाएंगे यहाँ पर 26 नवंबर से और 16 दिसंबर तक वक्री बने रहेंगे। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे, वक्री हो चुके हैं तो 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। शुक्र जो है वो 7 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, शनि कुंभ राशि में वक्री बने हुए हैं, मार्गी 15 नवंबर को ये हो जाएंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो नवंबर का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई निर्णय आपको लेना है, बहुत अर्जेंट है, आपको लेना चाहिए लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। उस डिसीजन को ना लेने की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, पुरानी बातें भी याद कर रहे हैं, गिल्ट ट्रिप पर भी जा रहे हैं और आपको अल्टीमेटली नींद आ रही है। इस समय में मुझे ऐसा लगता है मेंटल, क्योंकि सोचोगे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो नींद भी आपको ज़्यादा आएगी। उस नींद में भी आप डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे सकता है, पानी में डूबते हुए आप अपने आप को देख सकते हैं, तो वो कुछ चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस डिसीजन को लेके ख़त्म कर लेना चाहिए, जो भी अंदर से भावना आ रही है उसको लेके फिनिश कर दीजिए, जो भी होगा भगवान पर विश्वास रखिए आपके लिए बेहतर ही होगा। धन की बात करें तो इस समय धन में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में नहीं कर रहे हैं और धन को लेकर के कहीं थोड़े से रुक रहे हैं या कंजूस हो रहे हैं या ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, वो कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के यहाँ चोरी होने की संभावना है, तो अपने सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से रखें, होगी नहीं, किसी के मन में आ सकती है कि आपके यहाँ चोरी करें या आपका कोई सामान ले लें या आपसे कुछ पैसे चुरा लें या आपसे कुछ फ्रॉड कर लें, वो कर नहीं पाएंगे, आप उन्हें पकड़ लेंगे या वैसे ही वो पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो भी आपका कीमती सामान है उसको बहुत ध्यान से रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी धन इस समय में आएगा ज़रूर, पर्याप्त बना रहेगा, बस खर्चा करने में आपको डर लगेगा।
बात करते हैं हम आपके घर की, तो घर में सुख शांति बनी हुई है, आपके घर के बुजुर्ग भी आपको बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं आपसे, तो एक पीसफुल माहौल आपके घर का बना हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बहुत समय से आपके घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब चल रही थी तो उसमें सुधार जरूर आएगा। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव में ऐसा लग रहा है जैसे कोई तीसरा व्यक्ति घुसने की कोशिश कर रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है वो इंसान, बहुत ज्यादा ही मृदुभाषी है, बहुत अच्छी बातें करता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप दोनों के बीच में आने का प्रयास कर सकता है या आपके पार्टनर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकता है, और वो जानता है कि आप दोनों कमिटेड हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी दुस्साहस जो है वो करेंगे। तो ऐसे लोगों से पहले ही दूरी बना के रखेंगे, उन्हें बिल्कुल भी अपने आसपास नहीं फटकने देंगे या अपने पार्टनर के आसपास नहीं फटकने देंगे, तो ये कार्य नहीं होगा। भगवान शनिदेव की कृपा से न जाने क्या क्या चमत्कार हमको और आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक भक्त के साथ सिद्ध दरबार में चमत्कार हुआ, उनकी जबानी सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अर्जुन सिंह वाघेला है और मैं गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा से। और मैं 1 साल से यहाँ पे दरबार में जुड़ा हुआ हूँ, पर मुझे यहाँ पे आने के लिए कोई योग नहीं बन रहा था। अभी रिसेंटली 3 महीने से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने जो सोचा नहीं था वही मेरा हो गया, और इससे अच्छा मेरा दिन भी अच्छे हो गए। और कंपनी मेरी छोटी थी, आज मैं डेवलप कर रहा हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो गुरुमा रुक्मणी जी की जो बातें मैंने सुनी थी और मैंने वीडियोस देखे थे, यहाँ पे आने के बाद मेरा डेवलप हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे मैं और चुनना चाहता हूँ। जय शनिदेव, जय श्री अगर कृष्ण। हम बात करें आपके फैमिली बच्चों की, उन सब के साथ आप बहुत खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर ऐसा लग रहा है जैसे घर से बाहर कम जाएंगे और उनके साथ ही ज़्यादा समय बिताएंगे और उनके साथ ज़्यादा खेलेंगे, जो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो ये बहुत अच्छा समय नवंबर का, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप उनके साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करेंगे। अगर देखूँ मैं आपके जॉब प्लेस की बात, तो जॉब प्लेस पे ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत का रिवॉर्ड आपको नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं और इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, और मतलब आपके साथ इनजस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे जॉब में, जॉब आपके लिए सही नहीं चल रही है इस समय, तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग रो भी रहे हैं, कुछ लोग बहुत निराश हैं, और आपके साथ के जो कोलीग्स हैं वो आपको ढांढस बंधा रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, या आपके जो एचआर हैं या आपके जो कोई भी इमीडिएट बॉस हैं वो आपको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आ गया है कि अब आपको दूसरी जगह देखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पास बहुत यूनिक आइडिया है और यूनिक आइडिया को आप इस नवंबर से बेचना शुरू करेंगे, और उसकी वजह से आपको काफी सफलता और काफी मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं मिल रहा, लेकिन नाम काफी हो रहा है आपका, काफी सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं, काफी सारे लोग उसको समझ रहे हैं, तो मार्केटिंग इस समय आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी कोई नया प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च कर सकते हैं या कोई नए काम में ऐसा हाथ डाल सकते हैं जो कि बहुत न्यू है, मतलब आज तक जैसे किसी ने नहीं किया, एकदम यूनिक है, और उस यूनिक प्रोडक्ट की वजह से आपको बहुत नाम मिलेगा और धीरे धीरे पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। बात करें अगर हम आपके एजुकेशन की, तो इस समय बच्चों को पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बोझिल महसूस करेंगे, कंधे, सर, कान, दिमाग, सब ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना वजन उस पर रखा हुआ है, तो कुछ बच्चे मुझे पढ़ाई से बचते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत तो अभी आपको करनी पड़ेगी। अब बारी है नवंबर महीने की महा उपाय की। नवंबर में बहुत सारे तीज त्योहार भी हैं और दिवाली का पर्व भी आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दिवाली का पर्व जो मनाएंगे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो किसी भी एक गरीब की दिवाली जरूर मना देना, किसी भी गरीब व्यक्ति को जाकर के, जो भी अगर छोटा बच्चा दिखता है आपको गरीब, तो जो अपने बच्चे को दिला रहे हो उसको दिला देना, कुछ अपने घर में आप लेकर के आ रहे हो तो एक मिठाई का डब्बा उनको भी दे देना, अगर रोशनी अपने घर में दो दिए जला रहे हो तो दिए उनको भी दे आना, इतना करने से ही माता लक्ष्मी आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत मंगलकारी जाए, धन की कोई कमी आपके यहाँ ना हो, ऐसी मैं मंगल कामना कर रही हूँ, आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।